होटल स्टाइल सेमिया उपमा अभी घर में भी बन सकता है। मैंने ये सेमिया उपमा के लिए पानी गर्म किया। अब पानी का वो मेजरमेंट नहीं चाहिए, अब थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म कीजिए। पानी में थोड़ा सा नमक और कुकिंग ऑयल डाल के इसे पानी को अच्छा गर्म करना है। ये मेथड में आप सेमिया उपमा ट्राई कीजिए। मैंने उपमा के लिए आज एक प्याज, हरी मिर्च, गाजर और मटर, स्वीट कॉर्न सब कुछ ले लिया। ये सब कुछ काटना है। दूसरा कढ़ाई में वो सेमिया को अच्छा फ्राई करना है। फ्राइड वाला सेमिया है, फिर भी थोड़ा सा गर्म करना है, इसके वजह से हमारा सेमिया उपमा थोड़ा अच्छा आ जाएगा, स्टिकीनेस ना हो जाएगा, थोड़ा अलग अलग आ जाएगा होटल स्टाइल। अभी पानी गर्म हो गया, वो पानी में हमारा फ्राइड सेमिया है ना वही डाल के 5 मिनट्स के ऊपर ही रेडी हो जाएगा। 3-4 मिनट में ये बॉयल हो जाएगा, ढक्के से छोड़ दीजिए। 5 मिनट्स के पहले देख लीजिए, अभी पूरा बॉयल्ड हो गया। अभी इसका फिल्टर करना है, इसे पहले फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने के बाद इसमें फ्रेश वाटर डाल के और एक टाइम अच्छा फिल्टर करना है। इसमें कुछ भी पानी ना होना चाहिए, इसलिए अच्छा फिल्टर कीजिए पूरा पानी को। ऐसे करके 5 मिनट इसे छोड़ दीजिए, ये अच्छा पानी पूरा नीचे आ जाएगा। मैंने उपमा के लिए वही सेम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया था। मैंने तड़का के लिए 2 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच राई यूज़ किया। आपको चाहिए आप मूंगफली और कैशू नट भी यूज़ कर सकता है, लेकिन सेमिया उपमा का वो तो नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। उसमें 1 प्याज, 1 हरी मिर्च कड़ी पत्ता फ्राई करके, हमारा गाजर, वो स्वीट कॉर्न, मटर है ना मटर भी डाल के, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। ये सब्जी के लिए हमने नमक ऐड नहीं किया ना, ये सब्जी के लिए नमक ऐड कीजिए। इसे सब मिक्स करके 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। पूरा सब्जी अभी रेडी हो गया हमको, हमारा वो बॉइल्ड सेमिया है ना, बॉइल्ड करके ठंडा करके वो सेमिया इसमें डालना है। ये मेथड में ट्राई कीजिए, आपको भी होटल स्टाइल सेमिया उपमा मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा और स्पाइसी के लिए चिल्ली फ्लेक्स यूज़ किया। हम इसमें टोमेटो वगैरह कुछ भी नहीं डाला। आपको थोड़ा खट्टा टेस्ट चाहिए, आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस यूज़ कीजिए। फाइनली कड़ी पत्ता डाल के हमारा होटल स्टाइल सेमिया उपमा रेडी है। आप कोई भी मनपसंद सब्जी इसमें यूज़ कर सकता है, लेकिन आप यही मेथड में ट्राई कीजिए, आपको भी ऐसे अलग अलग होटल स्टाइल सेमिया उपमा मिल जाएगा। इसके मैंने आज नारियल का चटनी यूज़ किया। आप डायरेक्ट प्याज में पानी डाल के उपमा बना के आपको स्टिकीनेस आ जाएगा, इतना अच्छा उपमा ना आ जाएगा।